अयोध्या में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम परिसर में नगर आयुक्त एवं महापौर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष विनय वाघमार ने बताया कि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें ठेके पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों के वेतन से कट रहे ईपीएफ की धनराशि की पासबुक तत्काल उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग कार्य का बहिष्कार करेंगे। इस अवसर पर नगर निगम के सभी सफाई कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। जो भी त्यौहार चल रहा था उसमें हमारे कर्मचारी ने मेहनत से कार्य किया, कोई काम में उनको कोई त्रुटि नहीं हुई, लेकिन ये प्रशासन, यहाँ का जो प्रशासन नगर निगम का जो है, ये नगर आयोग है हमारे, प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी जो भी मांगे हमारी है उसको जो है पूरा नहीं कर रहे हैं। खाली उनको खाली काम दिख रहा है। होली दिवाली से लेकर अभी मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, उसमें भी मेहनत से कार्य किए कर्मचारी लोगों ने। हमारी मांग, पहला मांग ये है कि जो ठेके में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका वेतन जो 12,000 मिल रहा है कई नगर निगमों में, तो 12,000 वेतन तब जो है उनका भुगतान करें, तभी कोई बात बनेगी।